हेलो एवरीवन, आपका इस 15 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत है। भारत आज अपनी आजादी का 75वां साल मना रहा है, तो आपको भी हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए फिर इस करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, भारतीय सेना द्वारा आयोजित अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का क्या नाम था? तो उसका नाम था ऑप्शन ए स्काईलाइट, ऑप्शन ए स्काईलाइट। ये जो इंडियन आर्मी का कम्युनिकेशन एक्सरसाइज था स्काईलाइट, उसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव था, वो इस एक्सरसाइज के थ्रू जो आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडियन आर्मी का, उसकी ऑपरेशनल तैयारी या रॉबस्टनेस या मजबूती देखने के लिए ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, ताकि जो भारतीय आर्मी के लिए पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट बन रहा है, जिसका नाम है जी सैट सेवन बी, जिसकी कुल लागत है 4,500 करोड़ से भी ज्यादा की, तो उसी को जांचने और परखने के लिए ये एक्सरसाइज किया जा रहा था। और ये जो जी सैट सेवन बी सैटेलाइट है, वो वर्ष 2025 के आखिरी महीने तक लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं बात करें बाकी जो विंग है, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, उनकी पहले से ही एक अलग सैटेलाइट है, जिसका नाम है जी सैट सेवन। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमन पोर्टल फॉर रिकमेंडेशन एंड नॉमिनेशन ऑफ ऑल ऑफिशियल अवार्ड्स, सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिए सामान्य पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो जो केंद्र सरकार है, उसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ताकि जितने भी केंद्र सरकार के जो पुरस्कार है, वो सारे के सारे अवार्ड्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाए। और वहीं इससे फायदा क्या होगा, तो इससे जो पब्लिक के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, और इसी पोर्टल के थ्रू जो आम नागरिक है, वो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी बड़े पुरस्कार के लिए। विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो वो किया है ऑप्शन डी नवी म्यूचुअल फंड ने, ऑप्शन डी नवी म्यूचुअल फंड। ये फंड जो है भारत का पहला ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है, जिसका मेन फोकस रहेगा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। और वहीं बात करें नवी ग्रुप का, जिसने इसे लॉन्च किया है, तो ये नवी ग्रुप फाउंड किया गया था 2018 में सचिन बंसल और अंकित अग्रवाल द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। Which state appointed Deloitte India as its consultant? किस राज्य ने Deloitte India को अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो वो राज्य है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस अपॉइंटमेंट के पीछे जो मेन मकसद था कि जो Deloitte है, वो यूपी सरकार को प्लान्स एंड पॉलिसीज को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो राज्य की इकोनॉमी है, यानी यूपी की जो इकोनॉमी है, उसे 1 ट्रिलियन मार्क तक ले जाया जा सके। और इसीलिए यूपी सरकार और डेलॉइट इंडिया ने मेमोरेंडम साइन किया है। वहीं बात करें यूपी की, तो राजधानी लखनऊ है, और यूपी में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। वहीं यूपी का जो लेजिस्लेचर है, वो बाइकैमरलिज्म है, यानी कि वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों मौजूद है। काउंसिल की बात करें तो कुल सीटों की संख्या 100 है, वहीं असेंबली में कुल 403 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा से यूपी के लिए 31 सीट अलॉटेड है, तो लोकसभा के लिए 80 सीट अलॉटेड है। अविनाश साबले हैज वॉन द सिल्वर मेडल एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच स्पोर्ट, अविनाश साबले ने किस खेल में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है ऑप्शन सी स्टीपल चेज में, ऑप्शन सी स्टीपल चेज।
अविनाश दाबले ने सिल्वर मेडल जीता है इस 3000 मीटर स्टीपल चेज में, और इसके साथ बने पहले इंडियन जिन्होंने स्टीपल चेज की हिस्ट्री में पहला मेडल जीता है इन कॉमनवेल्थ गेम्स। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे कि जस्ट 0.5 सेकंड के लिए रह गए थे, वरना ये गोल्ड मेडल जीत जाते। और वहीं गोल्ड मेडल गया है कीनिया के अब्राहम कीवी वोट को, अब्राहम कीवी वोट। Who has been elected as the deputy president of FIDE, यानी कि World Chess Federation, FIDE के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद। भारतीय चेस लेजेंड और 5-time वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद बने हैं डिप्यूटी प्रेसिडेंट, वहीं अर्काडी वोर्कोविच वो दोबारा से प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। वहीं बात करें वर्ल्ड चेस फेडरेशन की, तो ये 20 जुलाई 1924 को फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुजैन में, स्विट्जरलैंड के लुजैन में। द कंट्रीज फर्स्ट एवर बालिका पंचायत हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट, देश की पहली बालिका पंचायत भारत के किस राज्य में शुरू हुई? तो हुई ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन बी गुजरात। देश की पहली गर्ल पंचायत या बालिका पंचायत जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स, ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके इन पॉलिटिक्स। और इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था गुजरात का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। और ये कहाँ पे शुरू किया गया है गुजरात में, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट के कुनरिया मस्का मोटागुआ और वाडसर गांव में इसकी शुरुआत की गई है। हु वॉज अवॉर्डेड विद द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021, 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन डी जेफरी आर्मस्ट्रांग को, ऑप्शन डी जेफरी आर्मस्ट्रांग। ये कैनेडियन स्कॉलर है और साथ में 7वें रिसिपिएंट ये अवार्ड जीतने वाले। और ये जो अवार्ड है वर्ष 2015 से शुरू हुआ था और वहीं पहली बार ये अवार्ड मिला था जर्मनी के प्रोफेसर हेनरिक प्रेहर वॉन स्टीटेन क्रॉन को, हेनरिक प्रेहर वॉन स्टीटेन क्रॉन को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन द सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट इन विच स्टेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दूसरी पीढ़ी इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया? तो वो राज्य है जहां पे सेकेंड इथेनॉल प्लांट बना, वो है ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा। और वहीं हरियाणा का ये पानीपत में इसे बनाया गया है जिसकी कुल लागत है 900 करोड़ रुपए और इसे बनाया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। वहीं इस प्लांट के थ्रू 3 करोड़ लीटर एथेनॉल हर साल जनरेट होगा। और वहीं आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? तो ये किया गया था बिहार के पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में। वहीं बात करें हरियाणा की, तो सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बी दत्तात्रेय। और वहीं कुल 22 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। और वहीं हरियाणा से जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो 10 है, वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। Who has been appointed as brand ambassador of Uttarakhand? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन ए ऋषभ पंत को, ऑप्शन ए ऋषभ पंत। और इसकी जो घोषणा की थी वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी। और जो पंत है उनका जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के रुड़की में हुआ था। वहीं है भारतीय क्रिकेट टीम में मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में खेलते हैं। वहीं बात करें आईपीएल की, तो ये दिल्ली कैपिटल्स से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन भी है।